नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, राजस्थान के गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों ने कर दी ये गलती। इसके बाद जो हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास एक बहुमूल्य चीज़ होती है, जिसे हम लोग नागमणि के नाम से जानते हैं। नागमणि से प्राप्त हुई शक्तियों के सहारे वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है और कोई भी आकार ले सकती है। दोस्तों, कहते हैं कि एक साधारण नाग नागिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन बगैर मणि के भी विशेष शक्तियां प्राप्त करते हैं। दोस्तों, नाग नागिन महादेव को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना राजस्थान के एक गांव चांदपुर की है। दरअसल ये घटना घटित हुई चांदपुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान अतुल जी के साथ। परंतु अतुल जी आज से करीब 8 साल पहले एक साधारण और गरीबी का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी गायें चराने जाया करते थे। एक दिन वो गायें चरा कर अपने घर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी एक गाय जंगल में ही रह गई है, तो वो उसे ढूंढने के लिए वापस जंगल में चले गए। वो गाय को ढूंढते ढूंढते जंगल के थोड़ा अंदर चले गए। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अतुल उस पेड़ के पास से गुजर रहा था तो उसे वहां पर एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं पर थे। उन्हें देखकर वो डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। अतुल इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापिस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा कि जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश को बैठता है। अब अतुल हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी चुपके से अतुल ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने अतुल से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अतुल को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और अतुल को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अतुल के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता अतुल के लिए उसके पासी के गांव से आया और सुनीता नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सुनीता अपने पति अतुल को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर मंगल नाम से अतुल के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अतुल का विश्वास जीतने लगा। अतुल भी मंगल के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सुनीता अपने पति अतुल के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन अतुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी मंगल के पास गया और बोला कि देखो मंगल, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से
तुम्हारा साथ मिला है, तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और मंगल को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे, तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया और अतुल को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। अतुल बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है, यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। अतुल आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अतुल तो कार में ही फंसा रहता है परंतु उसकी पत्नी सुनीता पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। मंगल अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अतुल मंगल को देखकर चौंक जाता है क्योंकि मंगल अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन अतुल को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब अतुल ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। अतुल घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रोकर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है, ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अतुल का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और सुनीता को उस पेड़ से निकाल बचा लिया था तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब अतुल हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के साथ आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि इच्छाधारी नाग नागिन बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये अपना बदला लेकर ही मानते हैं। ऐसे में प्यारे दोस्तों, कभी भी नाग नागिन को मारने की भूल ना करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताया गया वाक्य, बताई गई घटना अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आप भी भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें ताकि महादेव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।